वाले हैं पोलियो डिजीज के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये डिजीज होता कैसे है। ये डिजीज एक वायरस की वजह से होता है, जिस वायरस का नाम है पोलियो वायरस, और बायोलॉजिकली इसको हम एंटेरो वायरस भी कहते हैं। इस डिजीज के स्प्रेड होने का जो कारण है वो है इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज, या फिर कह सकते हैं हम कॉन्टेमिनेटेड फूड। इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि एक्स्ट्रा म्यूकस का सिक्रीट हो जाना। इसमें सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, तो हमें बुखार हो जाएगा, सर में दर्द होगा, बॉडी में एनर्जी एकदम कम लगेगी, वीकनेस होगा, हाथ और पैर में दर्द होने लगता है, और वोमिटिंग जैसी फीलिंग भी आती है। बेसिकली ये पोलियो वायरस करता क्या है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाकर के अफेक्ट करता है, जिसके वजह से बच्चे में हो जाती है पैरालिसिस। और ये जो बीमारी है मैक्सिमम 0 से 5 साल के बच्चों को ही होती है। वैसे तो पोलियो हमारे कंट्री में लास्ट केस जो देखा गया था वो देखा गया था 2011 में, 2011 में, और 2014 में 27 मार्च को इंडिया को सर्टिफाइड पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया था।